स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और जैसे कि आप सभी तस्वीरों में देख सकते हैं और आप सभी को पता भी होगा कि रानी चटर्जी का एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में और रानी चटर्जी की जान जाते जाते बच गई। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि कार एक्सीडेंट हुआ है और जैसे कि आप सभी तस्वीरों में देख सकते हैं उनके हाथ पे और सर पे चोट लगी है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और रात की बात तो ये है कि रानी चटर्जी फिलहाल ठीक है, घर पर आराम कर रही हैं और कल ही हॉस्पिटल से उनको छोड़ दिया गया। चलो आप सभी को बता दें कि खबर ये भी आ रही थी कि पावर पवन सिंह के साथ इनकी शूटिंग थी और पवन सिंह के साथ इनकी देवी गीत सॉन्ग आने वाला था जो कि लगभग बताया जा रहा है कि अब कैंसिल हो गया है और उस वीडियो में किसी और को स्टार कास्ट किया जाएगा। शनिवार को रानी चटर्जी का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी खबर उनके भाई ने दी थी। अपनी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करके रानी चटर्जी मुंबई में लौट रही थी और वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिलहाल रानी चटर्जी ने कई भोजपुरी फिल्मों को साइन किया है, इसके अलावा कई भाषाओं में फिल्मों को साइन किया है और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द रिकवरी करना रानी चटर्जी के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको फिल्मों से भी निकाला जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द रानी चटर्जी ठीक हो जाए और एक बार फिर से भोजपुरी पर्दे पर वो दिखाई दे। वैसे आप सभी का इस पर क्या कहना, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।